गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7 देखें। कल तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया था, 4, 5, 6 आपको होमवर्क था, आप कर लिए आपके। आज देखिए 7 और 8। फिर कल हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आज देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। शांति स्वीट स्टार वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ मेकिंग ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। आपको पता है मिठाई की दुकान पे अगर आप मिठाई लेते हैं तो क्या होता है, बॉक्स में करके देते हैं मिठाई, तो उसी के लिए ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है। दो टाइप का वो क्या है, बॉक्स है, छोटा सा साइज में बड़ा साइज में, उसका डायमेंशन दिया हुआ है ना। बिगर साइज का डायमेंशन है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, और स्मॉलर साइज का डायमेंशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 15, 12 और 5। अब कह रहे फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। जैसे एक बॉक्स बनाने के लिए उसको कटिंग करेंगे ना, तो वो 5% एक्स्ट्रा एरिया जरूर पड़ रही है हर बॉक्स में, जितना उसका डायमेंशन है। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज 4 crore, अगर एक कार्डबोर्ड को बनाने के लिए, इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज, जो कार्डबोर्ड है जिससे बन रहा है बॉक्स, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए 4 रुपीज लगता है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 ऑफ ईच बॉक्स काइंड। दो बॉक्स बनाने, एक स्मॉलर साइज में एक बड़े साइज में, बड़ा साइज छोटा साइज, और दोनों बॉक्स के कितने कितने पीसेज हो गए, टोटल 250 बड़ा और 250 छोटा, यानी टोटल कितना हो गया, 500 बॉक्स चाहिए। और एक बॉक्स बनाने के लिए 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ती है। अगर आप बड़ा साइज बना रहे हैं उसमें भी 5% का एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, अगर आप छोटा बना रहे हैं उसका जो डायमेंशन उसके अकॉर्डिंग 5% एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ रही है। तो यही पूछ रहा है कि टोटल 250 ईच बॉक्स को बनाने के लिए अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 रुपीज के हिसाब से टोटल कॉस्ट कितना आएगा अगर बनाया जाता है बॉक्स। तो सबसे पहले देखें फॉर बिगर बॉक्स, इसके लिए बड़े वाले बॉक्स के लिए देखें, फॉर बिगर बॉक्स क्या है, इसका एल कितना है, इसका एल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और सी दिया हुआ है कितना, सॉरी एल बी एच, एच दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 25, 20 एंड 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो देखिए जरा, आप जो बॉक्स बनाएगा तो क्या निकालेगा, उसका बॉक्स बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी उसकी, ये चीज समझना है। अगर आप ये चीज समझ गए तो बाकी सारे जो क्वेश्चन आएंगे इसमें या नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत इजी है। अगर ये सपोज मान लिया यही हमारा मिठाई का बॉक्स है, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये चीज चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है हमारी, खोलेंगे तो ये चाहिए, यानी कि कितने इसमें पेपर यूज हुआ है, कितने कार्डबोर्ड यूज किए गए हैं वो निकालना है, ना कि इसका हमें क्या वॉल्यूम निकालना है। तो क्या निकालना है आपको, सरफेस एरिया, क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। पहले सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स निकालेंगे, ये पता चलेगा कि उस बॉक्स को कितना कार्डबोर्ड की जरूरत है, और फिर उसका 5% निकालेंगे तो वो टोटल कार्डबोर्ड चाहिए एक बॉक्स को बनाने के लिए। कटिंग करते हैं कुछ बॉक्स, कुछ कार्डबोर्ड वेस्ट भी होगा, तो सबसे पहले हम निकालें क्या, सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, बड़े बॉक्स के लिए होगा ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वैल्यू पुट करेंगे आप इसमें 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर
एल बी एच वैल्यू पता चल जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। अब क्या होगा ऐड करने के लिए कितना आएगा 500 600 और इस 125 सेंटीमीटर स्क्वायर देखिए ऑटो में क्या हो जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो कार्डबोर्ड का एरिया है जो बॉक्स में लगा पड़ा है, बॉक्स जब रेडी हो गया है तो वो एरिया है इतना टोटल सरफेस एरिया इतना है कितना 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी 5% एक्स्ट्रा लग रहा है कितना लग रहा है 5% एक्स्ट्रा लग रहा है इतना तो चाहिए इसके बाद 5% एक्स्ट्रा चाहिए बॉक्स को बनाने के लिए तो क्या निकालेगा जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसका 5% किसका निकालेगा एक्स्ट्रा कार्बन रिक्वायर्ड फॉर द ओवरलैपिंग एक्स्ट्रा कार्बन फॉर ओवरलैपिंग के लिए जो एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए उसका क्या 5% कितना चाहिए किसी का 5% तो 5% का किसका इसी का 450 सेंटीमीटर स्क्वायर का तो जब इसका 5% निकालेंगे 500 5/100 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5 5 5 2 5 4 4 20 2 22 2 17 divided by 10 cm² इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 cm² इतना एक्स्ट्रा चाहिए इतना कार्डबोर्ड हमें एक्स्ट्रा चाहिए इसको ओवरलैपिंग करने के लिए ठीक है। तो 450 टोटल कितना चाहिए टोटल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड टोटल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड फॉर वन बॉक्स या कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन बिगर बॉक्स कार्डबोर्ड यानी कि कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन बिगर बॉक्स एक बड़ा बॉक्स बनाने के लिए कितना टोटल चाहिए कार्डबोर्ड ये 450 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको आप टोटल करेंगे कितना हो जाएगा चलो टोटल करें 0.5 तो रह गई 2027 5 12 4 8 5 ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है ये चाहिए 1542.5 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया चाहिए एक बिगर बॉक्स के लिए। तो बिगर बॉक्स कितना टोटल बनाना है 250 ठीक है टोटल कितना बनाना है 250 ईच साइज का 250 बॉक्स बनाना है आपको ये ध्यान रखना है ना 250 तो है ना हाँ 250 है देयरफॉर कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर इसको मिटाया सेम ऐसे ही स्मॉलर साइज के लिए करना है ध्यान रखना ऐसे ही लिखना और बिगर बॉक्स के लिए होना है अभी वही कंटिन्यू है कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 250 बॉक्स 250 बिगर बॉक्स कितना होता है 250 मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा ठीक है समझ में आया ये टोटल रिक्वायरमेंट है बड़े वाले बॉक्स की ठीक है। अगर आप चाहें तो ये भी इसका कॉस्ट निकाल सकते हैं अलग अलग या तो फिर ऐसे ही सेम किसका निकालें छोटे वाले बॉक्स के लिए टोटल रिक्वायरमेंट फॉर कार्डबोर्ड ठीक है कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर स्मॉलर बॉक्स
तब जाके आप दोनों को ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ सकता है। तो सबसे पहले हम अलग अलग कर लेते हैं, है ना, ताकि कोई ज़्यादा डाउट ना रहेगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड फॉर, लिखेंगे आप कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड फॉर, कार्डबोर्ड ऑफ फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कार्डबोर्ड कितना चाहिए, क्या रेट है उसका, 4 रुपये है। तो टोटल इतना कार्डबोर्ड चाहिए हमें, आप इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जब करोगे तो आंसर कितना आएगा, बिगर बॉक्स को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है कार्डबोर्ड की, उसका जो टोटल कॉस्ट आएगा वो इतना आएगा 1522.5 रुपीज। समझ में आया, सेम ऐसे ही आप क्या करेंगे, सेम ऐसे ही क्या करेंगे, फॉर स्मॉल बॉक्स ये हो गया, फिर लिखेंगे यहाँ पे फॉर स्मॉलर बॉक्स। ठीक है, कितना है इसका, मैं देखता है, दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और क्या 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, आप बुक कर देंगे तो मिल जाएगा 15, 12 एंड 5 सेंटीमीटर। फिर इसका टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बॉक्स क्या हो जाएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच, वैल्यू उत्तर करेंगे आप, एल बी कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा है 15 टू जा 30 कह रही 15 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी एच ये और बी कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप वैल्यू उत्तर करके मल्टीप्लाई करेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा है, अच्छा 5 और 75, आप उसको ऐड करिए 180 कितना हो जाएगा 0 0 5 5 7 6 13 और 13 8 कितना हो जाएगा 21 21 का 1 2 के 1 और 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको जब आप मैं करके हो जाएगा 6 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक छोटे वाले बॉक्स को बनाने के लिए अभी इतना कॉर्ड चाहिए, उसके बाद भी इतना चाहिए 5% एक्स्ट्रा, ये तो हुआ है, और 5% इसका एक्स्ट्रा निकालेंगे, एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड रिक्वायर फॉर ओवरलैपिंग कितना हो जाएगा, इसका 5% चाहिए हमें, तो 5% का 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 3 × 630 0 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 10 सेंटीमीटर करेंगे कितना आ जाएगा, इसका भी कंटिन्यू करते हैं चलेंगे, तो 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30 और 1 31 by 10 और ये हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपको एक्स्ट्रा लगेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन स्मॉलर बॉक्स, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन स्मॉलर बॉक्स
ठीक है, इसको मिटाए। कार्बो रिक्वायर्ड फॉर वन इज मोर ऑफ कार्बो रिक्वायर्ड फॉर वन इज मोर ऑफ मॉल्स कितना होगा, पहले 630 प्लस 31.5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन में 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रिक्वायरमेंट है टोटल। जैसे टोटल कितने बनाने हैं, तो कार्बो रिक्वायर्ड फॉर कितना, 250 मोल अभी 250 × 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बचे सिंस कॉस ऑफ कार्बन फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 4 रुपीज। देयरफॉर कॉस ऑफ कार्बन फॉर कितना, 250 × 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 4 × 250 × 661.5 समझ में आएगी। तो यहाँ से आ जाएगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, सेम उतनी आएगी 661 पॉइंट। आप जब उसको सॉल्व करेगा कि मिटा आ गया, इतना कॉस्ट चाहिए, टोटल कॉस्ट इतना है, बड़े वाले के लिए भी टोटल हो गया, तो टोटल खर्च कितना आएगा ये भी क्वेश्चन है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फाइनल आंसर क्या है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फाइनल कितना आया, 1522.5 रुपीज, और इसके कितना है, 661.5। आप इसको ऐड करेंगे जो आएगा वही आएगा, समझ में ये था नंबर है, पति इजी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, परवीन वांटेड टू मेक अ टेंपरेरी शेल्टर फॉर हर कार। ठीक है, एक कार को रखने के लिए है ना, कार को रखने के लिए उसका घर बनाना चाहता है। ठीक है, पार्किंग होती है ना कार के घर में, तो वैसे कह रहे हैं तू किसका बनाना है, कपड़े का बनाना है। ठीक है, और शेप कैसा होगा, मेकिंग अ बॉक्स, बॉक्स कैसा होगा, क्यूब वाइट होगा। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है विद ट्रैवलिंग एट द वर्स्ट ऑन द फोर साइड एंड द टॉप ऑफ द कार। तो जब कार पार्क होगा तो क्या क्या लगेगा, जैसे एक कोई बॉक्स टाइप का घर है, अब कार पार्क होगी तो क्या होगा, इस साइड का चाहिए, इस साइड का चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और ऊपर का चाहिए, नीचे का तो नहीं चाहिए ना, नीचे तो फर्श रहेगा, नीचे कपड़े की जरूरत नहीं है, जो गाड़ी होगी वो तो फर्श पे खड़ी होगी, नीचे कपड़ा की जरूरत नहीं है, कपड़ा क्या चाहिए, चारों साइड से और टॉप वाला चाहिए। एक्चुअली में होगा क्या हुआ, एक्चुअली में क्या होगा, सोचो ना, क्या होगा एक्चुअली में, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, बहुत इजी है। टोटल कपड़ा कितना चाहिए, ये रखिए इसमें डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है कपड़े का 3 मीटर, और जो गाड़ी का जो पार्किंग का हाइट होगा कितना होगा, एच होगा 2.5 मीटर, ये दिया हुआ है। तो क्या निकालना है आपको, निकालना ये है कि उसकी पार्किंग के लिए जो कपड़े की रिक्वायरमेंट है जो एरिया चाहिए हमें ट्रॉपलिन का जो रिक्वायर्ड है, एरिया एरिया रिक्वायर्ड ट्रॉपलिन रिक्वायर्ड ट्रिपाल जिसको कहते हैं,
इस वर्ड देखें क्या होगा, टॉप का एरिया चाहिए, बॉक्स का एरिया आपको टॉप चाहिए प्लस चारों साइड का वॉल के एरिया आपको वॉल एरिया फोर वॉल बस ये चाहिए। तो टॉप का एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू बी प्लस साइड का हो जाएगा क्या टू एच एल प्लस बी। आप थोड़ा सोचेंगे तो क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अगर एक बॉक्स आप सोचें टटकली सोचें गाड़ी है पार्क करना है घर के अंदर कपड़े का उसका बनाना है पार्किंग वाला जगह उसको कपड़े से बनाना है तो कैसे होगा, गाड़ी जाएगी चारों तरफ से वॉल होगा उसका और ऊपर का नीचे तो गाड़ी पार्क हो रही नीचे कपड़े जुटनी है तो ये टॉप वाला एरिया चाहिए तो चारों साइड से जो वॉल का एरिया होगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा एल कितना हमारा 4 मीटर बी कितना हमारा 3 मीटर प्लस टू एच कितना हमारा 2.5 मीटर एल 4 मीटर प्लस ये 3 मीटर 4 × 3 = 12 मीटर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 5 मीटर ये कितना हो जाएगा 7 मीटर 12 मीटर स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 35 मीटर स्क्वायर तो आप स्क्वायर करेंगे मिलेगा 47 मीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा चाहिए आपको पार्किंग की बहुत ईजी थोड़ा सा सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया 13.1। कल हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे ठीक है, उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।